तो देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया है। यह इंटर मिनिस्ट्रियल टीम 4 राज्यों के लिए गठित की है, जिसमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए दो दो टीमें बनाई गई हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम जयपुर के रामगंज, इंदौर, पुणे, मुंबई, कोलकाता, मेदिनीपुर, हावड़ा और 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग में कोरोना संक्रमण के हालातों पर सर्वे करेगी और संक्रमण फैलने की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगी। जिसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह टीम मुख्य सचिव और चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त शासन सचिव के समन्वय कर हालातों की जानकारी लेगी और मौके पर हालातों की जानकारी लेकर अधिकारियों को निर्देशित करेगी ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मैंने बाकी गृह मंत्री जी से सुना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक टीम उन्होंने भेजी है पर अधिकारियों के भी, उस टीम को भी चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब बात करेंगे उनसे भी। ये जो श्रमिकों की प्रॉब्लम उठाई है और गेहूं की आवाज उठाई हमारे साथियों ने, दोनों समस्याओं पर एक टीम आई है केंद्र से, 4 राज्यों में गई टीम है, उनमें राजस्थान भी एक है। हम चाहेंगे कि उस टीम के लोगों को भी बताएं कि बाकी सब तो ठीक चल रहा है, यहाँ पर जो लॉकडाउन के पैरामीटर्स है या जो अप्रोच है उसको हम पूरा फॉलो करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे ढंग से चल रही है, खाने पीने के एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई ठीक चल रहा है। खाली तकलीफ दो ही है, गेहूं और दूसरा श्रमिक। उसके ऊपर भी उस जो टीम आई है उसका ध्यान आकर्षित करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी मैसेज भेजेंगे वास्तविकता की फीलिंग आगे क्या चल रही है, उसके ऊपर भारत सरकार कार्रवाई करेगी। और गृह मंत्री जी ने आज मुझसे वादा किया कि मैं आज मेरे अधिकारियों से बात करके कल मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई जवाब कर आएगा मेरे पास।